उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मुझे भी चुनाव प्रचार के लिए आना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से मैं नहीं आ सका। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती नीलम देवी महागठबंधन के 7 दलों के समर्थन से राजद की उम्मीदवार हैं। मोकामा के लोगों से मेरा बहुत पुराना और घनिष्ठ रिश्ता रहा है। वहां से 5 बार मुझे लोकसभा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र का जो विकास हुआ है, इसकी बहुत विस्तार से चर्चा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी इसको महसूस कर रहे हैं। पूरे टाल क्षेत्र का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो आज सड़क से जुड़ा नहीं है। कोई घर ऐसा नहीं है जहां बिजली उपलब्ध नहीं है। आप सबको पता है कि टाल क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 1,600 करोड़ रुपए की योजना राज्य सरकार ने अपने बलबूते दी है, जिस पर काम चल रहा है। जिस दिन यह योजना पूरी हो जाएगी, समस्त मोकामा वासियों के लिए यह सुखद एवं ऐतिहासिक पल होगा। मैं तो आ नहीं पाया हूं, लेकिन इस संदेश के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी श्रीमती नीलम देवी को लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।